दादाजी मार खाते रहते हैं, उनकी गधापंतियां चलती रहती हैं, इसलिए हमसे नहीं खाते तो वो किसी और से खाते, किसी और से खा लेते, बाहर वालों से खा लेते। लेकिन आज क्या हो गया कि आज लाल पहन के आ गए। सांडू मामा तो पता है ना आपको, हमारे घर में नए नए सदस्य आए हैं, हमारे रिस्पेक्टेड मामा जी हैं, हमारी मम्मी के भाई हैं, तो उनकी आदत यह है कि वो लाल देखते देख लेते हैं तो बिदक जाते हैं। अब गधा प्रसाद अपने दोस्त से मिलके सीधे यहाँ पर आ गया, फटे हाल बिल्कुल, और उसने पहना हुआ है लाल ड्रेस, कुली की ड्रेस पहनी हुई है। सोचो अब मामा जी देखेंगे, मामा जी देखेंगे तो यही हाल होना है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। फिर सांडू और गधा बस गए, दोनों गए पानी में। सांडू जी मारेंगे उनको नहीं, वो तो भागते जा रहे, घर का कोई सदस्य उनका मदद भी नहीं कर रहा। अब क्या है ना, सांडू मामा इतने लंबे चौड़े से हमारे घर में बेचारे सब छोटे छोटे हैं। सांडू मामा इज डायनासोर, वी कांट कंट्रोल हिम, सॉरी सांडू मामा, तो मतलब हमें हमें भी लग जाएगी, हम छोटे से बच्चे हैं, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके सामने, प्यारे प्यारे से चूजे चूजे हैं। हमारे बाबूजी कहते हैं कि मेरे चिड़ियाघर के चूजों आ जाओ बाहर निकलो। अच्छा आपने तो कहा कि गधा प्रसाद का नसीब भी बहुत अच्छा है कि हमेशा बच जाते हैं, इनको याद है क्योंकि मुझे एक पॉइंट के लिए इंसान को, इंसान ही गलत फहमी पैदा करता है ना, तो इंसान से गलतियां होती हैं, तो मैंने भूल कर दी थी बोल के कि हमारे गधा प्रसाद का नसीब बहुत अच्छा है। लेकिन वो तो बस भगवान के हाथ में भी नहीं है गधा प्रसाद का। मैं भी पागल थी, मैंने बोला जाको राके साईया मार सके ना कोई, मुझे याद नहीं था कि कोई ना मार सके, लेकिन सांडू मामा जरूर मारे। तो क्या मदद करेंगे घर वाले जिन्होंने गधा प्रसाद को मारा, तुमको? हाँ बिल्कुल, कि गधा प्रसाद हमारे बहुत डियर हैं, हमारा डोमेस्टिक हेल्प जरूर है, लेकिन वो हमारे जो पति हैं उनके भाई की तरह ही रहा है, पला है बड़ा है, तो उसको बचाना तो पड़ेगा ही। तो सांडू मामा पीछे जा रहे हैं, गधा पंतियां हम ही झेलते हैं, हम ही झेलते हैं, हम ही बचाते हैं उसको। बाबू जी ने कहा कि घर से अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, फटे हुए पहन के आते हैं, उसकी आदत है, वो गधा है ना, और कुछ नहीं कर सकता वो बाहर जाके। अब गधे से क्या उम्मीद कर सकते, सब गड़बड़ कर देता है, उसको लगता है इससे स्मार्टनेस हो जाएगी। वो एक स्टोरी थी ना, गधे को लगता है ईंट में पानी से जाने से ईंट हल्की हो जाती है, उसे लगता है और हल्की हो जाए तो वो फॉर्म पानी में लेके जाता तो और भारी हो जाते। नहीं पता नहीं है, हमारे घर में जो भी नया बंदा आता है वो अगर पानी मांगता है जनाब, एक बाल्टी में पानी लेकर आता है। मुझे तो अच्छा लगा आज गधा प्रसाद पानी के अंदर क्योंकि हाँ गधा प्रसाद ने हमारे घर के हर सदस्य को और घर घर में आए हुए हर एक नेबर को और जितने भी मेहमान आते हैं सबको भिगोया है, अच्छी तरह से भिगोया, मतलब हमारी कितनी नाक कटी होगी। हाँ एक्चुअली मुझे लगता है गधा प्रसाद ने ना, गधा प्रसाद ने चालाकी से बोला कि मेरे को डुबा दो, बहुत गर्मी लग रही है। ये हमने डिसाइड किया था हम बहुओं ने कि हम तीनों की तीनों हॉल में डूब जाएंगी। और वैसे भी आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज बहुत बुरी गर्मी है, बहुत बुरी गर्मी है। आगे बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे, आपको तो पता ही है हमारा शो कैसा है, हम लोग चिड़ियाघर के रहवासी हैं और बट उसके लिए आपको चिड़ियाघर देखना पड़ेगा। आगे का ट्विस्ट अगर हम बता देंगे तो आप कैसे देखेंगे? अच्छा व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहेंगे सबसे पहले, बहुत ज्यादा प्यार मिला है आप लोगों से, इसी तरह से प्यार मिलता रहे, आप रोज हमें देखते रहे मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे सब टीवी पर। अच्छा सैटरडे को भी हमारा शो आने वाला है रात 9 बजे, अब से हम सैटरडे भी आ रहे हैं, तो आप जरूर देखिएगा हम हमारे गधा की गधा पंतियां, हमारे चिड़ियाघर की मौज मस्तियां और हमें स्पेशली। और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आईपीएल भी आने वाला है वो भी देखिए, लेकिन हमारा शो भी देखते रहिए।